हेलो नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आदित्य के साथ बने रहिए। आज हमारे साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो मेन गेट की ड्यूटी क्या होती है, गेट कितने प्रकार के होते हैं, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप हमारे वीडियो में बने रहें, लास्ट तक हमारे वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आप जानते हैं कि मेन गेट कितने प्रकार के होते हैं। मेन गेट हमारा जो भी है, मेन गेट हमारा तीन प्रकार के होते हैं। जो मेन गेट हमारा तीन प्रकार के होते हैं, सबसे पहले कौन सा आता है, एक मेन गेट आता है हमारा, और एक मटेरियल गेट आता है, और एक एग्जिट गेट आता है। तीन प्रकार के होते हैं। जो गेट कितने प्रकार के होते हैं, हमारे तीन प्रकार के होते हैं। अगर कोई पूछता है आपसे तो बेशक आप इस चीज़ को निश्चित आप बताइएगा कि तीन प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कि एक मटेरियल गेट होता है, एक मेन गेट होता है, एक एग्जिट गेट होता है। जो एक आप बोलते हैं बाहर जाने वाली गेट हो गया, एक अंदर आने वाली गेट हो गया, एक मटेरियल लाने वाली गेट होती है। ऐसे एक हिंदी में भी बोल सकते हैं इस तरीके से, कि जो हम एक अच्छे तरीके से। तो हम सबसे पहले मेन गेट पे हम क्या देखते हैं, बहुत जगह ऐसे होता है, इंडस्ट्री लाइन में होता है और सोसाइटियों में होता है, बहुत जगह ऐसे हैं कि जो गेट हैं दो ही प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि दो ही प्रकार की होती है, जो मेन गेट होता है और एग्जिट गेट होता है। तो हम इस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल आपको बताएंगे। तो मेन गेट का तात्पर्य क्या होता है, मेन गेट का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर मेन गेट अगर है वहाँ पे ड्यूटी कर रहा, तो सबसे पहले उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि मेन गेट पे जितने हमारे कंपनी के स्टाफ की गाड़ी आती है वो मेन गेट से ही होके आती है। मेन गेट से होके आती है, जितनी स्टाफ की गाड़ियाँ हैं, जितनी भी हमारे प्राइमर्स की जितनी कंपनी है, जितने एम्प्लॉई हैं उनकी गाड़ियाँ हैं, अपना मेन गेट से ही आती है। जितनी भी अगर विजिटर की गाड़ी हैं वो मेन गेट से ही आती हैं। बहुत जगह ऐसा आता है, कैसे पहचानोगे आप, जैसे बहुत जगह ऐसा आता है कि जो कमर्शियल लाइन है, जैसे बिल्डिंग आप बनी हुई है ज़्यादा, उसमें अलग अलग कंपनियां रखी हुई हैं, हमारा मेन गेट से एंट्री है, तो हम किस तरीके से गाड़ियों को पहचानेंगे। सबसे पहले हमारा गाड़ियों का पहचानने का ये होता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो कंपनी का जो कंपनी दी गई है, जिसमें हमारे स्टाफ रह रहे हैं, उनकी गाड़ियों का क्या क्या नंबर है उनको पता करना। उसके बाद वो कंपनी क्या करती है, अपना अपना कंपनी का एक लोगो देती है, कि जो ग्लास पे चिपका के लगाने के लिए, कि एक साइड में कि ये हमारे कंपनी का लोगो है। तो उससे एक पहचान होती है, उससे हम जान पाते हैं कि ये कंपनी इस कंपनी का है, इसको अंदर लेना है। मेन गेट से कोई भी आगंतुक, कोई भी बाहरी गाड़ी हम नहीं लेते हैं बिना पहचान के। अगर कोई भी गाड़ी अगर हम लेते हैं बिना पहचान के तो हमारे विरुद्ध है, हम उसको नहीं ले सकते हैं। तो ध्यान देना है आपको, अगर कोई भी आपको गाड़ी लेना है तो आपको जो प्राइमर्स में लेना है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो जिस चीज़ की जानकारी हो वही चीज़ गाड़ी लें। तो आपको हम बता दिए कि कौन सी गाड़ी लेना है, आपको पता है कि जो हमारे स्टाफ के कार है, हमारी गाड़ी है, ये फलाना नंबर है, ये स्टीकर है, तो आपको पहचान धीरे 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 पहचान हो जाती है उसका। प्रॉपर हम लोग रजिस्टर में एंट्री करते हैं, ये गाड़ी नंबर लिखते हैं, फलाना इस कंपनी का नाम लिखते हैं, इन टाइम लिखते हैं, फिर जाते समय आउट टाइम लिखते हैं। बहुत ऐसे होते हैं कि जो हमारा मेन गेट से विजिटर की एंट्री होती है, विजिटर की एंट्री होती है तो बहुत हम मतलब पहचान नहीं पाते हैं कि विजिटर हमारा नया विजिटर है कि पुराना विजिटर है, हम उसको गाइड नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी अगर मेन गेट से एंट्री हो जाए, ऐसे होता है कि जो विजिटर हो गया, वेंडर हो गया, और कहीं होता है ऐसा जगह कि ऐसा है कि वहाँ से वेंडर भी जाते हैं, मटेरियल भी इन आउट दोनों तरीके से होता है। तो हम वहाँ के लिए हम बोल रहे हैं कि जहाँ के लिए अगर गेट दो तीन प्रकार के होते हैं वहाँ के लिए है। अगर गेट अगर मान लीजिए दो ही प्रकार का है, जो मेन गेट से हम मटेरियल भी इन कर रहे हैं और आउट भी कर रहे हैं, तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि जो भी मटेरियल आ रहा है जा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से हमको ध्यान देना है कि कौन सी मटेरियल लेना है, कौन सा हमारे कंपनी का है, कौन सा उसको प्रॉपर चेक करना है, मटेरियल कौन सी बड़ी गाड़ी हाइट का है वो जाएगा, अलाउड है कि नहीं है, छोटी गाड़ी अलाउड है, बड़ी गाड़ी अलाउड है, कितने साइज की, कितने चक्का की जो है जो गाड़ी उसको हम अलाउड करेंगे, कितने फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, कि आपका मतलब जो भी है ट्रक आने वाला जाने वाला हो उसको हम अलाउड कैसे करेंगे। वेंडर की बात हो गई, कौन कौन से वेंडर हमारे काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन सा वेंडर कौन काम करवाता है, उन वेंडरों का प्रॉपर तरीके से हम एंट्री करते हैं, उनका डॉक्यूमेंट लेते हैं, उनका गेट पास चेक करते हैं, उनका कार्ड चेक करते हैं, अगर कोई लेबर एंट्री होता है तो उनको प्रॉपर तरीके से हेलमेट सेफ्टी सब वहाँ से मेन गेट से चेक करते हैं। तो मेन गेट से ये प्रक्रिया आपकी हो गई, मेन गेट का आप समझ जाओगे। उसके बाद आता है आपका एग्जिट गेट आता है, मटेरियल गेट आता है। तो एग्जिट गेट क्या होता है, एग्जिट गेट के बारे में हम आपको बताएंगे कि एग्जिट गेट जो भी गाड़ियां आप प्रॉपर तरीके से उसको कंपनी के अंदर लेते हो, जो भी गाड़ियां कंपनी के अंदर लेते हो मेन गेट से हो
या मटेरियल गेट से हो, तो अगर मेन गेट से आप अगर अंदर लिए हो तो एग्जिट गेट से वो बाहर जाएगा। तो कैसे जाएगा वो, उसके लिए गाइड करने वाला हमारा बंदा रहता है, हमारा आदमी रहता है कि जो गाइड करता है कि यहाँ से आप बाहर जाइए, तो उस तरीके से हम बाहर निकलते। तो बाहर निकलने का प्रक्रिया हमारा यही होता है कि जो भी हमारा कोई भी अगर आता है, कोई लेबर से लेके हमारा अगर गाड़ी से लेके सब एग्जिट से निकलते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से चेक होता है। चेक करने के बाद से गाड़ियों चेक किया जाता है, चेक करने के बाद से प्रॉपर एंट्री होती है, लेबर चेक होती है, उसके बाद ही बाहर जाता है। तो आप इस चीज़ को समझ चुके। उसके बाद आता है मटेरियल गेट। मटेरियल गेट हम एक अच्छे तरीके से जानते हैं, आप कहीं भी हो मटेरियल गेट के बारे में हम जानते हैं। कोई भी छोटी सी बड़ी कोई भी मटेरियल अगर आती है तो हम मटेरियल गेट से ही लेते हैं। कोई भी छोटी या बड़ी चीज़ हो अगर हम आता है तो उसे मटेरियल गेट से, जैसे कैसे, जैसे फोर व्हीलर हो गया, ट्रक हो गया, इसमें अगर आती है तो हम उसको मटेरियल गेट से लेते हैं, ठीक है। अगर बाइक से आ रहा है, कोई मटेरियल आ रहा है तो स्टोर में रखना है तो उसी गेट से हम लेंगे ताकि हमारे स्टोर तक पहुंच जाए। तो आप इस चीज़ के बारे में जान चुके। अगर कोई आपको अगर पूछता है कि कितने गेट हैं, तो आप बेशक बता सकते हैं कि तीन गेट है, एक मेन गेट होता है, एक मटेरियल गेट होता है, एक एग्जिट गेट होता है। बहुत जगह ऐसे होता है कि जो हम मेन गेट से ही इन आउट मटेरियल जो करते हैं, अपना आवागमन जो भी होता है, मेन गेट से लेबर हम एंट्री करते हैं, मेन गेट से आउट करते हैं, बहुत जगह ऐसे होता है। और एग्जिट गेट से केवल गाड़ियां हमें आउट करते हैं, केवल आउट करते हैं, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा नहीं है, अगर हमारे वीडियो को अच्छा लगे हमारे वीडियो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे हमारे वीडियो को देखने के लिए आप ऐसे ही बने रहें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।